हेलो दोस्तों दोस्तों मेरे पास ना ये 7 वाट का एलईडी ड्राइवर का सर्किट है, ठीक है। ये ना 7 वाट के बल्ब है उसमें लगता है, तो उसमें दोस्तों से प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले तो ना दोस्तों उसको सीरीज लैंप में ना उसको कनेक्ट करते हैं और फिर ना आपको बताता हूँ ना सर प्रॉब्लम क्या आ रही है। चलिए पहले ना उसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें ना पोलोडियो कोई इशू नहीं था, तो कहीं भी कोई भी वायर आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कनेक्ट कर लिया, अब सीरीज लैंप को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए अब ना इसकी वोल्टेज ना मेजर करते हैं, इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है। नॉर्मली ना इस सर्किट के अंदर ना जो वोल्टेज आती है 70 से 80 के बीच में उसकी नॉर्मल डीसी वोल्टेज आती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है। चलिए इसको चेक करते हैं। ये देखिए वोल्टेज इसकी कितनी आ रही है, देखिए 180 करीब वोल्टेज आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ना जो हमारी अगर इसमें ना डायरेक्ट मैं इसमें MPCV लगाऊंगा ना, तो ये डायरेक्ट ना ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो जितनी इनको वोल्टेज मिलनी चाहिए ना उससे ज़्यादा आएगी ना, तो ये ना उसको ख़राब कर देगा, ठीक है। तो पहले इसको उसको ठीक करते हैं और प्रॉब्लम क्या आ रही है तो उसको ना इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए दोस्तों ना सर्किट इस तरह से होता है, ठीक है। एक बार उसको शॉर्ट कर लेते हैं, जो कैपेसिटर है ना इसको शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, देखिए यहाँ से ना हमारी सप्लाई जाती है, ठीक है। AC की जो सप्लाई आती है हमारी यहाँ पे आती है, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं यहाँ पे फ्यूज रेजिस्टर लगा रहता है। तो कई बार ना ये डेड हो जाता हमारा, तो डेड होने का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि अगर एक्सेस आपकी वोल्टेज आ जाए या कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाए ना, तो ये रेजिस्टेंस आपका ख़राब हो जाता है, कम वैल्यू का होता है, ठीक है। तो चेक करने का तरीका, अगर डेड है तो उसको भी चेक करके आप देख सकते हैं ना कि ये आपका ख़राब है, तो उसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ना देखिए यहाँ से इसकी सप्लाई आ रही है, यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, ठीक है। जो सप्लाई आ रही है दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ना एक रेक्टिफायर डायोड होता है, ठीक है। तो VF इसमें VF10 है वो लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से ना यहाँ पे पॉजिटिव लेके निकलता है, ठीक है। उसके बाद ना इसको क्या क्या प्योर DC वगैरह बनाकर ना जो आउटपुट होती है हमारी यहाँ पे आती है। तो इस सर्किट में हम देख रहे हैं दोस्तों, इस सर्किट के अंदर सिर्फ एक ना कैपेसिटर लगाया गया है, ठीक है। ये लगाया गया है हमारा 47 mA और 63 वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ना क्या होता है कि एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर आपकी एक्सेस वोल्टेज आ रही है ना, इसका मीन्स इसमें क्या होता है कि आपका ये जो कैपेसिटर है ना दोस्तों ये वाला, ठीक है, ये आपका या तो ख़राब होगा या ओपन होगा। मेन जो इस सर्किट में आता है इसमें ये रीज़न यही होता है दोस्तों। ये ना जो IC है ना आप देख रहे हैं, यानी IC ये सिंगल MOSFET वाली IC है, ठीक है ना। इसी तरह ये IC आती है, डबल MOSFET में आती है, तो ये IC है जो सिंगल MOSFET वाले IC है। तो ये 5-7 वाट के जो बल्ब आते हैं ना उनके लिए सफिशेंट है, सही काम करते हैं बिल्कुल। तो अभी चलिए पहले क्या करते हैं, देखिए ना अगर आपके पास इस तरह का सर्किट है उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सेस वोल्टेज आ रही है, आप ना सीधा इसको चेक करके देखिए कि ये आपका सही ही खराब है, ठीक है। तो उसको एक बार हम निकाल के देखते हैं और उसके बदले दूसरा लगाते हैं, ठीक है। तो इसको ना इसको निकालते हैं हम, चलिए इसको निकालते हैं, सोल्डर से निकाल लेते हैं इसको। चलिए इसको निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, इसको निकाल लिया हमने। अब ना इसमें एक दूसरा लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया था इसको, अब इसके बाद ना इसको दूसरा लगाएंगे यहाँ पे, देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा रह गया इसका। चलिए इसको निकाल लेते हैं पहले, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, ये निकल गया यहाँ से, ठीक है। ये देखिए दोनों होल ना बिल्कुल क्लियर हो गए। तो अब ना एक नया कैपेसिटर लगाते हैं यहाँ पे। चलिए मेरे पास कैपेसिटर देखते हैं, मेरे पास है कैपेसिटर पड़े हैं मेरे पास, तो सेम ना उसी वैल्यू को लगाते हैं जिस वैल्यू का है 4763 वोल्ट का है। तो दोस्तों जिस सर्किट में जो लगा हुआ ना आपने सेम इसी वोल्ट का ना लगाइए, ठीक है। तो इसको लगा के देखते हैं, देखिए मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, 4763 वोल्ट का है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ना ऐसे ही लगाना है। अब दोस्तों सिर्फ पोलरिटी की बात आती है, देखिए जहाँ पर आपके निशान दिख रहे हैं ना, देखिए ये निशान दिख रहे हैं ना, ये निशान ये हमारा नेगेटिव होता है। तो जब भी कभी भी आप लगाए ना तो नेगेटिव आपको इसको देख के लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो नेगेटिव आपका देखिए कहाँ पर है, देखिए ये नेगेटिव है, आपको नेगेटिव इसी पे लगाना है,
ठीक है, इसको ऐसे लगा देना नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव यहाँ लग गया है, देखिए ये नेगेटिव इधर लगाना है आपने, ये देखिए ये नेगेटिव इस तरह लगाना है, ठीक है, इस तरह आपने लगाना है। और इसकी जो लैग है ना दोस्तों, इसको ना हम काट लेते हैं, ठीक है, इसकी काट देते हैं यहाँ से इसको, ये कट गया, देखिए ये कट गया, थोड़ा और काट लीजिए इसको, देखिए अब इसको सोल्डरिंग कर देते हैं हम, ठीक है, ट्रैक का ध्यान रखना कि ट्रैक आपको टूटे ना, अब उसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो पहले ना उसको हम थोड़ा इसमें एक पीस लगा लेते हैं, ठीक है, इसको पीस लगा लेते हैं। ज़्यादातर दोस्तों इसमें क्या है, इस सर्किट के अंदर ना जो आपका सिंगल मोसफेट वाला है ना, तो उसमें ना इसी तरह की ना दिक्कत आती है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें थोड़ा सा लगा लेते हैं, इसके अंदर फ्लक्स लगाना जरूरी है, ठीक है, अब इसको ना सोल्डरिंग करते हैं। चलिए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं, और इसके बाद ना इसको चला कर देखेंगे, सप्लाई देखे देखेंगे कि ये हमारा काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। चलिए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं यहाँ से, देखिए ये सोल्डरिंग हो गया, इस तरह इसको भी कर लीजिए, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, ये सोल्डरिंग कर दिया। अब ना इसको चेक करेंगे, तो उसके पहले ना इसके कनेक्शन हैं, इसके कनेक्शन यहाँ पे भी कर देते हैं हम, जो हमारे एलईडी के जो है ना एमसीबीसीबी, उसमें भी कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो उसका ध्यान रखना। अभी मैं इसमें हीट सिंक पेस्ट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेमो करने के दिखाने के लिए आपको ना तो ये बता रहा हूँ। तो उसमें पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव आपको कनेक्ट कर देना है। चलिए इसमें कर देता हूँ कनेक्ट, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव लग गया। इसी तरह ना दोस्तों आपको नेगेटिव लगाना है, देखिए ये लग गया इसमें भी, ठीक है, ये अपना कनेक्ट कर दिया है। अब ना इसमें ना सप्लाई देके देखते हैं, अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर सप्लाई देके देते हैं हम, इसको देखिए नेगेटिव, और इसके बाद ये यहाँ पे दे देते हैं दोनों, ठीक है, एसी की न्यूट्रल फेज दोनों दे देते हैं, ठीक है, अब दे दिए। अब कुछ ऑन करके देखते हैं, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा, ठीक है, ये सही बिल्कुल काम कर रहा है। अगर इसकी मैं वोल्टेज दिखाऊँ, वोल्टेज दिखाने के लिए दोस्तों ना ये आपको, इसको मैं कवर कर लेता हूँ क्योंकि सीधा ना आपकी आंखों में पड़ेगा, तो इसको वोल्टेज देने के दिखाने के लिए मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है, और जो वोल्टेज है इसको वहाँ से देखते हैं। चलिए देखिए ये जल गया आपका, अब मैं वोल्टेज दिखाता हूँ कितनी आ रही है लगभग वोल्टेज, देखिए इसकी वोल्टेज देखते हैं कितनी आ रही है, ये देखिए दोस्तों ना, ये देखिए 63 वोल्ट का है लगभग, लगभग हमारी वोल्टेज बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ना इस सर्किट के अंदर दोस्तों आपकी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको पहले निकाल लेते हैं एक बार, और जिसका कैपेसिटर है दोस्तों उसको ना शॉर्ट कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो दोस्तों इसके सर्किट में ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों ना, इसका सिंगल्स में कंडेंसर लगा रहता है, ठीक है, वो या तो ओपन होता है या फिर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो उसको ना अगर सिंगल है इस तरह की प्रॉब्लम आती है, सीधा आप उसको चेंज कर दे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ना इस ड्राइवर सर्किट को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। और ये सर्किट ना दोस्तों मैं कम से कम 3-4 महीने से ना लगातार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा एलईडी थी, तो पहले तो उसमें ना मैंने 3 एलईडी शॉर्ट की थी, लेकिन वो जल्दी ख़राब हो गया, तो मैंने अब 2 एलईडी शॉर्ट की है। अब उसको लगा देखूँ दोस्तों ना कितने दिन तक चलता है ये, ठीक है, वोल्टेज बिल्कुल सही आ रही है, तो इस तरह थोड़ा आइडिया मिल जाता है। तो एक्चुअली क्या, जो मेरा मेन जो वीडियोस बनाता हूँ मैं, कॉफ़ी मशीन रिपेयरिंग के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन दोस्तों सबके घर में ना इतने सारे बल्ब होते हैं, कोई ना कोई ख़राब होता रहता है, तो फिर ना मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर ना देखा जाए ना कि इसके अंदर क्या क्या हम उसको रिपेयर कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे आप मार्केट जाएंगे तो बिल्कुल बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, ठीक है, 10-15 रुपये में मिल जाता है आराम से। इसी तरह से इसके रेट भी अगर ज़्यादा लेंगे तो बहुत सस्ता ये भी पड़ जाएगा, ठीक है। तो मतलब मुश्किल से ना 20-25 रुपये में आप आपका जो बल्ब 80-90 रुपये का आता है ना उसको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन क्या, आपका ड्राइवर सर्किट अच्छा होना चाहिए, कंपोनेंट सारे अच्छे होने चाहिए, और दूसरी बात है जो MCPCB ना दोस्तों वो भी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो आप देख रहे हैं LED, ये ना अलग अलग क्वालिटी में आती हैं, कुछ लो क्वालिटी में आती है, कुछ ऐसी क्वालिटी में आती है ना, तो उसको देख कर ना आपने लेना होता है। और मेन चीज़ दोस्तों उसकी थिकनेस का भी होता है, देखिए थिकनेस ना ये अलग अलग MM की आती है, अगर बिल्कुल पतली होगी ना तो ये LED जो होती है ना जल्दी गर्म होकर ये इसको ख़राब कर देगी। तो मेन आपको अगर अच्छी क्वालिटी का ये लगाएंगे, अच्छी क्वालिटी का ये लगाएंगे ना तो आप खुद ही ना घर पे ना इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो इस चैनल को देख रहे हैं दोस्तों उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।